हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में सबसे अहम सवाल तो यही है कि क्या हम उसे फिजिकल प्रोसेसेस की तरह बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो इस बात की आदत पड़ी हुई है कि साइंस में हम फिजिक्स के कुछ बुनियादी नियमों से शुरुआत करते हैं, जैसे कि स्पेस, टाइम और मैटर। अगर हम इन सबको मिला दें तो हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम उनसे केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर जहां तक कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने की बात है तो वहां ये चेन टूट जाती है। मेरे ख्याल से हमें नेचर में कॉन्शियसनेस में नए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल गए हैं और अब हमें उन्हें चलाने वाले फंडामेंटल लॉज को समझना पड़ेगा। ये साइंटिस्ट मानते हैं कि इन्हें कॉन्शियसनेस का एक नया और अनोखा एस्पेक्ट मिल गया है। ये मानते हैं कि वो सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं होता बल्कि बाहर भी आता है। उनका दावा है कि वो इस बात को साबित भी कर सकते हैं। आखिर सोच क्या है? न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह हमारे दिमाग के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक पैटर्न है। लेकिन अगर मैं गुस्सा होता हूं या मुस्कुराता हूं, मेरी सोच कमरे में बैठे सभी लोग समझ लेते हैं। असल में वो हमारे करीब पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि सिक्स सेंस ऐसे ही काम करती है। इंसान की सोच एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बदल जाती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है। रॉजर नेल्सन पिछले 30 साल से ग्लोबल माइंड के सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस असली दुनिया में मौजूद है। छूने का एहसास बड़ा ही हल्का होता है, मगर वो असली होता है, इसलिए वो ज्यादा जरूरी होता है। बहुत कम ही लोग इसे मुमकिन मानते हैं, मगर रिसर्च कहती है कि ऐसा मुमकिन है। मिड-90s में रॉजर ने एक बड़ी अनोखी घटना की जांच शुरू की और उसके बारे में कई रिसर्चर्स ने भी कहा था। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रीडआउट्स को रैंडम नंबर जनरेटर्स कहते हैं, और अगर उनके पास बैठे हों और अपना ध्यान उनके ऊपर ही लगाएं तो वो बदल भी सकते हैं। कई साल के दौरान कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमने देखा कि लोग इन रैंडम नंबर जनरेटर्स का बिहेवियर बदल सकते हैं, भले ही वो कम हो मगर साफ नजर आता है। रैंडम नंबर जनरेटर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉइन टॉसर्स जैसे होते हैं, मगर उनमें हेड्स या टेल्स की जगह वंस या जीरोस आते हैं। उनके रिजल्ट्स बिल्कुल ही रैंडम होते हैं। रॉजर का कहना था कि अगर कोई शख्स उसके करीब बैठा हो तो वो उसके रीडआउट्स को बदल सकता है और तब शायद पूरे शहर की सोच भी वही हो जाए। क्या दुनिया भर में लगे रैंडम नंबर जनरेटर्स करोड़ों लोगों की सोच पर नजर रख सकते हैं? हमने एक बड़ी ही मामूली सी हाइपोथेसिस के साथ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हमने देखा कि जब काफी लोगों की कॉन्शियसनेस स्टेट एक होती है, खासकर इमोशनल, तब हमारे नेटवर्क की रैंडमनेस में भी बदलाव आता है। लेट 1990s तक रॉजर ने दुनिया भर के कई साथियों से उनके लैब से मिले रैंडम नंबर डेटा जमा किए। उसके साथ ही ग्लोबल कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ। ये वो नक्शा है जिससे पता लगता है कि दुनिया में कहां कहां पर ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये है हवाई, ये है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप में भी कई हैं। इनमें से हर जगह पर एक रैंडम इवेंट जनरेटर या रैंडम नंबर जनरेटर एक कंप्यूटर से जुड़ा है। ये ग्लोबल नेटवर्क दिन रात काम करता रहता है और डेटा जमा करके प्रिंसटन में बनी रॉजर की लैब के सर्वर को भेजता है। हमें लाइव डेटा मिलते हैं और हर सेकंड पर एक कलर ब्लॉक नजर आता है। वैसे तो वो काफी छोटा होता है, लेकिन डेटा में बड़ा अंतर आने पर ऐसा होता है। अरे ये देखिए एक और इतने कम वक्त में इतनी बार इतने बड़े अंतर देखना बड़ी अनोखी बात है। जब भी दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है तब रॉजर ये देखते हैं कि इनके नेटवर्क में कितना अंतर आता है। कई बार ऐसा होता है। 2008 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के वक्त तो बड़े ही अनोखे बदलाव नजर आए थे। जब पोल्स बंद हुए तब मीडिया कह रहा था कि शायद ओबामा जीत गए हैं। ये उस वक्त का ग्राफ है जब अगले 5 घंटे के लिए पोल्स बंद कर दिए गए थे। उसी दौरान ओबामा ने विक्ट्री स्पीच भी दी थी। ये अलग अलग लोगों का कोई कलेक्शन नहीं है, हम आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
ये एक बड़ा ट्रेंड है, इसमें ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। हजार में एक बार ही ऐसा होता है जब इतने बड़े डेटा सेट में इस तरह से पॉजिटिव इफेक्ट्स का एक्युमुलेशन होता है। हमने 340 से ज्यादा इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। जब हमने 12 साल के अपने एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को साथ में जमा किया, हमें जो नतीजे मिले वो तो 1 अरब बार में से एक बार हो सकता है। रॉजर के डेटा से पता लगता है कि वो एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस थी, मगर ये आखिर काम कैसे करती है? बायोलॉजिस्ट रूपर्ट शेल्ड्रेक मानते हैं कि इसका जवाब उस फील्ड में छिपा है जो हर जीव पैदा करता है। वो उसे मॉर्फिक फील्ड कहते हैं। फील्ड्स असल में इन्फ्लुएंस के रीजन्स होते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड्स से इन फील्ड्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये बॉल्स छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, और जब मैं इन्हें प्लेट पर गिराता हूं तब ये एक दूसरे को या तो खींचती हैं या दूर धकेलती हैं। ये घूम जाती हैं, ये एक पैटर्न में जमा हो जाती हैं। इन फील्ड्स में एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, ये इनहेरेंटली इंटीग्रेटिव होती है। मैं मानता हूं कि एक और फील्ड भी होती है जिसे मॉर्फिक फील्ड्स कहते हैं, और वो जानवरों और पौधों के शरीर को ऑर्गेनाइज करके ब्रेन्स और माइंड्स की एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज करती है। रूपर्ट मानते हैं कि उन मॉर्फिक फील्ड्स की वजह से ही परिंदे एक खास फॉर्मेशन में उड़ते हैं, उनकी वजह से ही जानवरों का मास माइग्रेशन होता है। यही वजह है कि जब कोई हमें घूरता है तब हमें बड़ा अजीब सा एहसास होता है। इन्होंने इस सेंस को सही साबित करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए। नहीं घूर रहा। ये ट्रायल्स के रैंडम सीक्वेंस में किसी को या तो देखते हैं या नहीं देखते, और हर ट्रायल में उन्हें बताना पड़ता है कि कोई उन्हें घूर रहा है या नहीं। नहीं घूर रहा। घूरने वाले को अपना माइंड उस शख्स पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है जिसे वो घूरता है। वो उस वक्त उस शख्स के नाम के बारे में भी सोचता है। घूर रहा है। मैं अभी अपना पूरा ध्यान उनके ऊपर ही लगा रहा हूँ। जब मैं उन्हें नहीं देखता तब नीचे फर्श पर देखता हूँ या अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और कुछ अलग ही बात सोचने लगता हूँ। नहीं घूर रहा। ब्रिलियंट। 14 सही और 6 गलत। कुछ तो हुआ है, और हालांकि वो इफेक्ट ज्यादा बड़े तो नहीं मगर कंसिस्टेंट हैं, और वो कई ट्रायल्स में रिपीट हुआ था। रूपर्ट ने ऐसे सबूत जमा किए हैं जिनसे लग रहा है कि लोगों को एहसास हो जाता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। इससे उनकी ही बात सच लगती है कि हमारा शरीर मॉर्फिक फील्ड से घिरा रहता है जो हमारा ही इनविजिबल एक्सटेंशन है। मेरा ये कहना है कि हमारा माइंड एक्सटेंडेड फील्ड्स में काम करता है जो हमारी आसपास की दुनिया में रहने वाले लोगों के दिमाग से काफी दूर तक जाता है, और वही हमें दूसरे लोगों और हमारे एनवायरनमेंट से जोड़ता है। कई साइंटिस्ट्स रूपर्ट की इस बात से सहमत नहीं है, और उनका कहना है कि अगर मॉर्फिक फील्ड वाकई होता तो हम उसे अभी तक जरूर देख लेते। मगर सडबरी ऑन्टेरियो की इस अंधेरी लैब में ये रिसर्चर मानते हैं और दावा करते हैं कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि हमारी सोच एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक जा सकती है। हर दिन हर पल हम एक इनविजिबल फोर्स से घिरे होते हैं। हमारी दुनिया एक मैग्नेटिक फील्ड में लिपटी है। दुनिया के बहुत से जीव उसके बिना रह ही नहीं सकते। परिंदे, समुद्री कछुए और मछलियां उस ग्लोबल मैग्नेटिज्म के जरिए ही रास्ते का पता लगाती है। क्या हमारा दिमाग भी उसका इस्तेमाल करता है? कहीं वही मैग्नेटिज्म तो सिक्स्थ सेंस की जड़ नहीं है?